देखते हैं, इफ यहाँ दिया है कि ए इक्वल टू में बी कॉस 2π/3 इक्वल टू में सी कॉस 4π/3, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस का पाई बाई थ्री, और यहाँ पर इधर लिख देते हैं कॉस पाई प्लस का पाई बाई थ्री। तो देखिए ए इक्वल टू में यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस पाई बाई थ्री, ठीक है, और ये थर्ड क्वार्टर में जाएगा, ये भी आपका माइनस का यहाँ हो जाएगा क्या कॉस पाई बाई थ्री। तो देखिए ए इक्वल टू यहाँ देखिए इसका वैल्यू क्या होता है 1/2, तो यहाँ माइनस बी बाई टू और इधर माइनस का सी बाई टू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग के ले लेते हैं, तो यहाँ से ए का वैल्यू है के, बी का वैल्यू माइनस का 2k हो जाएगा और सी का भी वैल्यू माइनस का 2k। हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना है, चलिए देखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी k इंटू में माइनस 2k प्लस यहाँ पर माइनस 2k इंटू में माइनस का 2k और फिर प्लस माइनस 2k इंटू में k, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 2k² यहाँ प्लस 4k² माइनस 2k², यानी जीरो आ जाएगा यहाँ से इसका वैल्यू, समझ गए। चलिए क्वेश्चन